अढ़ाई का अड्डा आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। 2024 के चुनावी मौसम में जब सियासी दल तरह तरह के फरेब परोस रहे हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी न्यूज 18 के मंच से जनता के साथ अपने दिल की बात साझा कर रहे हैं। न्यूज 18 को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने देश सेवा और अपनी आंतरिक शक्ति को लेकर भी खुलकर बातचीत की। उनसे जब पूछा गया कि आप टफ फैसले कैसे ले लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि टफ नहीं, बस सही डिसीजन लेता हूं, परमात्मा ने ही मुझे देश सेवा के लिए भेजा है। देखिए कैसे 10 साल में मोदी ने गरीब कल्याण के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए, यानी जो इंटरव्यू में कहा जमीन पर उससे कहीं ज्यादा काम हुआ। शायद परमात्मा ने ही मुझे इस काम के लिए भेजा हुआ। मैं जनता जनार्दन को भी ईश्वर का ही रूप मानता हूं। मैं मेरे लिए जीता नहीं, मैं मेरे लिए जन्मा हूं। देखिए मैं टफ डिसीजन वगैरह नहीं लेता, मैं सही डिसीजन, मुझसे जो कुछ भी है वो तो ईश्वरीय शक्ति करवा रही है। मेरे 140 करोड़ देवता, उनकी मैं पूजा कर रहा हूं, और मेरे लिए दो ईश्वर है, एक जिसको हम देख नहीं पाते हैं और दूसरे वो जो जनता जनार्दन है। सियासत विजन का खेल है, नेता को जननेता बनाते हैं उनके क्रांतिकारी फैसले, वो फैसले वो आइडिया जिनका सीधा ताल्लुक पब्लिक से होता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे लोकप्रिय नेता हैं। गरीबों की सेवा ही उनकी शक्ति का राज है, जैसे साक्षात ईश्वर ने उन्हें इसी काम के लिए भेजा हो। तो परमात्मा की देन है, परमात्मा ने मुझसे कुछ काम लेना तय किया है, किसी पर्पज के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है, और इसलिए मैं ये जो बाकी तूफान चल रहा है उससे बहुत परे रहता हूँ। लेकिन इस तूफान में शांत कैसे रहते हैं? वही मैं उससे परे रहता हूँ। मुझे शायद परमात्मा ने यही राह दिखाई है कि तुम उन चीज़ों में मत उलझो, तुझे कोई बड़ा काम करना है, तुम अपने काम में लगे रहो। तो परमात्मा का निर्देश है, परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की योजना है, और शायद ये उसी का मैं एक निमित्त हूँ, कुछ नहीं। मोदी से ब्रांड मोदी बनने के पीछे भी यही आइडिया है, यही विचार है जो प्रधानमंत्री को दूसरे नेताओं से अलग बनाते हैं। जब न्यूज 18 के मेगा इंटरव्यू के दौरान उनसे कठिन फैसलों को लेकर सवाल पूछा गया, तो सुनिए उन्होंने कैसे अपने जवाब से सभी को दंग कर दिया। लास्ट से सुबह एक सवाल पूछ रहे थे, मैंने कहा आप मोदी जी से खुद ही पूछना डायरेक्ट। आपने आपकी पूरी यात्रा में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, ऐसी हालत में भी आप टफ डिसीजन लेते हैं, एक कैसा कर पाते हैं? देखिए मैं टफ डिसीजन वगैरह नहीं लेता हूँ, मैं सही डिसीजन लेता हूँ। कोई टफ ऑफ डिसीजन होता नहीं, सही होते हैं, किसी को टफ लगे किसी को ना लगे ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि ये सब कैसे होता है। जैसा आचरज आपको होता है मुझे भी होता है कि मोदी ये कैसे करता है, फिर मैं सोचता हूं नहीं 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 शायद परमात्मा ने ही मुझे इस काम के लिए भेजा हुआ है, मुझसे जो कुछ भी है वो कोई ईश्वरीय शक्ति करवा रही है, और वो ईश्वरीय शक्ति ईश्वरीय प्रेरणा से मैं करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी यूं तो सियासत में जब से आए हैं लगातार गरीबों आम लोगों के लिए काम करते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जो काम किए वो बेमिसाल हैं। आधे से अधिक आबादी ऐसी थी
कि गरीबों के नाम बैंक तो लिया लेकिन बैंक खाता नहीं खुला। ये मोदी ने आकर के 52 करोड़ बैंक के खाते खोले और उसका सबसे बड़ा मैंने फायदा उठाया। खाते खोल करके आंकड़ा नहीं किया, मैंने जनधन, आधार और मोबाइल, इस ट्रिनिटी को लेकर के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 36 लाख करोड़ रुपये, आंकड़ा बहुत बड़ा होता है जी, 36 लाख करोड़ रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों के खाते में गए। अगर मैंने बैंक खाते ना खोले होते तो इनका बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन इस दुनिया में, पूरी दुनिया में एक साल में जितने अकाउंट खुलते होंगे ना उससे ज़्यादा काम हमारे देश में हुआ है। जल जीवन मिशन, हमारे देश में जी 3-4% घरों में भी घर में नल से जल आता था, वो भी ज़्यादातर अर्बन लोकेलिटी में। आज 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचा है। अब ये सारे काम है 25 करोड़ लोग, गरीबी से बाहर ऐसे ही नहीं आए जी, हमने उनको इतना सशक्त बनाया। और मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि हम गरीब को इतनी ताकत दें कि गरीब खुद गरीबी को परास्त करे। और जब गरीब अपने मेहनत से गरीबी को परास्त करता है ना, उसके बाद उसको गरीबी में वापस नहीं जाना ये संकल्प बन जाता है और वो देश की शक्ति बन जाता है। आज हमें फायदा है 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। पीएम मोदी ने गरीबों के कल्याण की बात सिर्फ कही नहीं बल्कि गरीब कल्याण के लिए जमकर काम भी किए। ऐसे फैसले किए जिनसे न सिर्फ हिंदुस्तान की तस्वीर बदल गई बल्कि अपने जन कल्याणकारी फैसलों के दम पर मोदी लोगों के दिलों पर छा गए। जैसे पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, गरीबों के लिए सोलर योजना जैसे क्रांतिकारी फैसले शामिल हैं। मोदी से ब्रांड मोदी बनने के पीछे भी यही वो फैसले हैं, यही विचार हैं जो प्रधानमंत्री को दूसरे नेताओं से अलग बनाते हैं। जहां तक मैं काम क्यों कर पाता हूं, मैं मेरे लिए जीता नहीं हूं ना मैं मेरे लिए जन्मा हूं, तो मेरे मन में हमेशा रहता है कि मुझे जितना समय मिला है उसका पल पल मैं देश के काम आऊं। जहां तक मैं दौड़ता मैं होता है, लोकतंत्र एक बहुत बड़ा उत्सव है, फेस्टिवल है जी, ये जनता जनार्दन के दर्शन करने का अवसर है जी, हमें मौका लेना चाहिए, जितना जनता जनार्दन के दर्शन कर सकते करना चाहिए। लोकतंत्र का एक उत्सव है जिसमें संवाद होना चाहिए जितना ज़्यादा। तो मैं इसको एक, वैसे हम घर में कोई बड़ी पूजा करते हैं ना, कैसे इन्वॉल्व होते हैं, मेरे लिए पूजा का समय है। मेरे 140 करोड़ देवता, उनकी मैं पूजा कर रहा हूँ, उस भाव से मैं चलता हूँ। न्यूज 18 के मेगा इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि देश के 140 करोड़ लोग ही उनके भगवान हैं। वो जनता को पूजते हैं और दूसरे उस ईश्वर को जिससे उन्हें शक्ति मिलती है। आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5-4-6 रैली, वो भी कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में, तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको ये दृढ़ संकल्प दे रही है आगे बढ़ने का? पहली बात तो मैंने कहा ना कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ जी, ये ईश्वर ने तय किया हुआ है। ईश्वर ने मुझे शायद इसी काम के लिए भेजा है, क्योंकि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ जी, मेरी माँ ने कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे स्कूल नहीं देखा था, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, और इतना बड़ा देश इतना काम ईश्वर नहीं करेगा तो कौन करेगा जी? और मेरे लिए दो ईश्वर हैं, एक जिसको हम देख नहीं पाते हैं और दूसरे वो जो जनता जनार्दन है। मैं जनता जनार्दन को भी ईश्वर का ही रूप मानता हूँ, और दूसरा परमात्मा के प्रति मेरी अपार श्रद्धा है। शायद परमात्मा ने मुझे इस काम के लिए भेजा है, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है, शक्ति दी है। यानी प्रधानमंत्री मोदी की शक्ति का केंद्र भी सेवा भाव ही है।
उनके मुताबिक ईश्वर ने जनता की सेवा के लिए ही उन्हें चुना है। बहरहाल पीएम मोदी एक बार फिर जनता की सेवा के लिए अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर चुनाव में हैं। जनता उनके क्रांतिकारी फैसलों पर अपने समर्थन की मुहर लगाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं इस वक्त। कांग्रेस के विधायक राम निवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए। श्योपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनको सदस्यता दिला दी है। कांग्रेस के करीब 2000 कार्यकर्ता जो हैं वो भी शामिल हो गए बीजेपी में। मुरैना नगर निगम महापौर भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये इसी झटके की बात डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कर रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो बीजेपी के मौजूद हैं। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को तो ये कमान और या ये कह लीजिए कि जिम्मेदारी ही मिली हुई है और इसी जिम्मेदारी का वो पालन करवा रहे हैं। ज्वाइनिंग अभियान टोली के वो प्रमुख हैं और वो अपने काम को इसी तरीके से अंजाम दे रहे हैं। और लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं। राम निवास रावत बड़ा नाम भी हैं। राम निवास रावत पुराने कांग्रेसी भी हैं, लगातार वो विधायक भी चुने गए। और राम निवास रावत ग्वालियर चंबल अंचल में एक बड़ा नाम भी हैं। असर होता है तो इस लिहाज से एक झटका कांग्रेस के लिए इसे कहा जा सकता है। तो ये कई बार के विधायक हैं। 90 के दशक से इन्होंने जो राजनीति में एंट्री की तो लगातार ये जीत भी दर्ज करते रहे और बीजेपी को कहीं ना कहीं जो बीजेपी के खेमे में खलबली और हलचल मचाने में रामनिवास रावत जो हैं वो कांग्रेस में जब थे तब श्योपुर सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं और श्योपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो शैलेंद्र हमारे सहयोगी मौजूद हैं। शैलेंद्र, रामनिवास रावत भी अब चले गए, असर कितना होगा इससे? क्योंकि बड़ा नाम है, कई बार के MLA भी हैं और जब आप भी ग्वालियर चंबल की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन एक चीज़ है, राम निवास रावत जो हैं कांग्रेस में थे लंबे समय से, सीनियर लीडर हैं, लेकिन कांग्रेस में राम निवास रावत अगर जाने जाते थे तो अपनी नाराजगी की वजह से भी जाने जाते थे। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो राम निवास रावत कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे और खासकर अगर ग्वालियर चंबल संभाग के लिहाज से देखें तो बड़ा चेहरा वो कांग्रेस के लिए थे। और देखिए, कई बार उन्होंने चुनाव लड़ा, विधानसभा का भी चुनाव, वर्तमान में विधायक भी हैं, मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं और 2 बार सांसद का भी चुनाव लड़े थे। एक बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस को उस इलाके में कहा जा सकता है। आखिर क्या इसके मायने, बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक पटेल साहब मौजूद हैं। सर, एक बड़ा चेहरा थे आपका ग्वालियर चंबल संभाग में, अब वो बीजेपी का दामन थाम लिया उन्होंने। देखिए, उनको ये सोचना पड़ेगा कि वो कौन सा कचरा है, गीला कचरा, सूखा कचरा या मेडिकल वेस्ट। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता प्रहलाद पटेल ने तो यही कहा कि हमारे पास सब तरह का कचरा आ रहा है। खैर, ये अलग विषय है। लंबे समय तक राम निवास रावत जी ने काम किया, आप जैसा भी बता रहे थे, विधायक रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस से ज्यादा क्या देती। अगर इसके बाद भी किसी व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती है तो ये उनके अंतरात्मा की बात है, किसके कारण उन्होंने अपनी अंतरात्मा बदली है। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे, निश्चित रूप से उसके बाद ऐसा कदम उठाते हैं तो आज कहीं ना कहीं हम सुचिता की बात करना बेमानी हो जाती है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का एक और चेहरा समझ में आता है कि जो 400 पार की बात कर रहे थे और जो 370 वोट बढ़ाने की बात कर रहे थे और 2 चरणों के चुनाव में जब उनके मंसूबे फेल हुए, मतदान का प्रतिशत घट गया, भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकलने से मना कर दिया क्योंकि वो वोट तक पहुंचे ही नहीं, मतदान केंद्र तक पहुंचे नहीं, तो वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एन केन प्रकरण कहीं लालच से, कहीं डर से या और किसी तरीके से उनको अपने दल में शामिल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रजातंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। निश्चित रूप से ये खेल उनका है।
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि रामनिवास रावत एक बड़ा चेहरा ग्वालियर चंबल संभाग के लिए थे, और खासकर अगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से मैं देखूं तो 8 विधानसभा में से 5 में वहां पर कांग्रेस काबिज थी, और यही कारण है कि कांग्रेस वहां दम दिखा रही थी कि वहां जीत होगी, लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर जीत किसकी होगी। इसके साथ ही एक बात और बता दूं, मुरैना की जो महापौर है शारदा सोलंकी, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा है। हालांकि विधानसभा के चुनाव के समय भी उनका ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में वो जा सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी उन्होंने मुलाकात की थी, केंद्रीय मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की थी। तो दो बड़े चेहरे, एक ओबीसी वर्ग से आते हैं और एक एससी वर्ग से आते हैं, दोनों के दोनों लोग आज मुख्यमंत्री के सामने बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस को है। लेकिन सर, न केवल रामनिवास रावत बल्कि शारदा सोलंकी जो लंबे समय बाद आपकी वहां सीट जीती थी वो भी चली गई। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र और नैतिकता का पाठ भूल चुकी है। वो कहते हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, प्रजातंत्र का खून रोज हो रहा है। कल इंदौर में जिस तरीके से उन्होंने प्रजातंत्र का खून किया, जो सीट 1984 से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, वहां पर प्रत्याशी के ऊपर दबाव बनाकर उन्होंने कहीं ना कहीं उनका नामांकन वापस करवाया। इसी तरीके आप पूरा मध्य प्रदेश में वो तमाशा रच रहे हैं, लेकिन जनता जागरूक है। आप देख रहे हैं कि जहां चुनाव पहले और दूसरे चरण में वोटिंग हुई है, जो खबरें आ रही है, वहां पे कांग्रेस पार्टी जीत रही है। आने वाले जो 17 सीटों पे चुनाव मध्य प्रदेश में रह गया है, उनमें भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी, चाहे लाख वोट जत्न कर दें। कांग्रेस एक विचार है, विचार को खत्म नहीं कर सकते, नेताओं को इधर से उधर ले जा सकते हैं। तो जी जी, कांग्रेस विचार है और तमाम बातें तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को क्या भनक नहीं लग पाती है? कांग्रेस जिस एक्सरे की बात करती है कि हम देश भर में करेंगे, अपने भीतर भी कर ले एक बार, एक्सरे हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ डेंट है, कहाँ कुछ दिक्कत है, तो पहले से तैयारी। ये फिर झटके वाली, जो झटका अचानक से लगता है, जैसे कल भी लगा झटका, आज भी लगा कि भाई एक बड़े लीडर जो हैं वो छोड़ के चले गए, तो पहले से तैयारी कांग्रेस एक्सरे करा रही है क्या अपना, पूछ लीजिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी अलग अलग सभाओं में जा रहे हैं और जातिगत जनगणना की बात करते हैं, वो समाज के एक्सरे की बात करते हैं जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन क्या पार्टी के अंदर जो हो रहा है उसका एक्सरे नहीं हो पा रहा है? ये बात हम पटेल साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से अक्षयकांति बम चले गए, अभी रामनिवास रावत के पिछले दिनों भी जाने की अटकलें थी, बाद में शारदा सोलंकी के जाने भी अटकलें थी, तो पार्टी इस डैमेज को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? और ये अगर कहें राहुल गांधी की भाषा में, वो पूरे देश का एक्सरे कराने की बात करते, पार्टी का एक्सरे क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, अभी कुछ नेता जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं ने नहीं बदला है। नेताओं का मैंने कहा कि उनका लालच है, डर है, जो भी विषय है, और मैंने तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहा कि अब उनका नाम ही बदल गया, भारतीय कांग्रेस पार्टी हो गई है, कांग्रेस पार्टी के लोग जिस तरीके से वो नेताओं को ले रहे हैं। खैर, इसका चिंतन मनन होना चाहिए, और कहीं ना कहीं और हम कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, संघर्ष का समय है। और जब प्रजातंत्र और संविधान की लड़ाई रह गई है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है, अब तो संविधान बचाने की लड़ाई है, प्रजातंत्र बचाने की लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में। कांग्रेस एक नए रूप में इस चुनाव में आएगी और हम डट के मुकाबला करेंगे। तो देखिए, मुकाबला करने की बात तो हो रही है शैलेंद्र, लेकिन एक्सरे कैसे करेंगे? सवाल यह भी है कि जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है, आज भी केवल रामनिवास रावत या वो महापौर जो हैं वो शामिल नहीं हुई, बल्कि हजारों कार्यकर्ता शामिल हो गए, 2000 कार्यकर्ता, और जब से ये शुरू हुआ है ज्वाइनिंग अभियान बीजेपी का, ज्वाइनिंग टोली देखिए बाकायदा, और ज्वाइनिंग टोली कितना अच्छा काम कर रही है, उसका परफॉर्मेंस अगर नापेंगे तो उसके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। खैर, रिजल्ट तो आ गया 10वीं 12वीं का, इसका भी रिजल्ट आना चाहिए, वो अंदर होगा बीजेपी का, लेकिन मेरा ये सवाल है कि ये ज्वाइनिंग हो रही है और लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता चले जा रहे हैं, ये बीजेपी का दावा है, कांग्रेस के पास कितनी संख्या में कार्यकर्ता है ये भी जानिए, और कार्यकर्ता भी तो जा रहे हैं, नेता नहीं कार्यकर्ता भी जा रहे हैं, ये भी पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए जब भी कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ता है तो उसके साथ के जो कार्यकर्ता हैं वो उसके साथ जाते हैं। देखिए, रामनिवास रावत के बारे में भी बात करूं, कल जिस तरीके से उन्होंने रावत समाज की बैठक की, से ऊपर में तमाम जो बड़े नेता थे, जो समाज के लोग हैं, उनसे उन्होंने बात की और उनसे सबसे पूछा कि क्या वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाना चाहते हैं, सबने सहमति जताई, उसके बाद ये फाइनल हुआ कि रामनिवास रावत जो है अब वो जा रहे हैं। भले ही कांग्रेस ये कह रही हो कि बड़े नेता जा रहे हैं लेकिन कार्यकर्ता नहीं जा रहे हैं, हाँ कुछ कार्यकर्ता जो है, या ये कहें कि पटेल साहब जैसे कुछ लोग हैं जो अभी भी पीसीसी में बैठे हैं और उनके जाने के बाद भी वो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे सर जानने की कोशिश करूंगा कि सर जब नेता जा रहा है तो उसके साथ बड़ी संख्या में तो कार्यकर्ता भी तो जा रहे हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं कार्यकर्ताओं के दम पर हम लड़ेंगे?
निश्चित रूप से सारे कार्यकर्ता तो नहीं गए, क्या पूरी विधानसभा के कार्यकर्ता चले गए? आप तो बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके स्थापना दिवस पे जो घोषणा की थी कि लाखों कार्यकर्ता हम शामिल करवा रहे, कहां पर आए? इसी ऑफिस के सामने, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने विधानसभा चुनाव के पहले कितने लोगों ने ज्वाइन की, लाखों की संख्या में लोग आए, लिस्ट बनी, लेकिन चुनाव के रिजल्ट उस तरीके से नहीं आए। कुछ नेताओं के जाने से रिजल्ट चेंज नहीं होता, प्रजातंत्र में जनता जो निर्णय करती है वो चुनाव परिणाम लेकर आती है। जिस बात का आपने जिक्र किया उसका मैं खुद गवाह हूं, पीसीसी के बाहर बड़ी भीड़ रहती थी, 2000-4000 लोग आते थे, लेकिन नतीजे जो आए वो तो बड़े सेटबैक करने वाले थे। निश्चित रूप से, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को एक साथी पार्टी होने के नाते जरूर प्रतिद्वंदी है, उनको भी आगाह करना चाहता हूं। चलिए, आगाह करने की बात कही जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तो आगाह करना चाह रहे हैं यहां पर कांग्रेस नेता, और इसी के साथ लड़ाई के अड्डे में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।